अच्छा है, बिहार से अच्छा है। अब देख सकते हैं भैया बिहार से है और बता रहे हैं कि बिहार से अच्छा है जमशेदपुर में। ठीक है, आ रहा तू बिल्कुल खाए कभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साधन और आप सबका स्वागत है एक और नई और वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। दोस्तों इससे पहले हमने डिजनीलैंड को कवर किए थे और काफी सारे लोग बेलपुरी यानी कि यहाँ पे लगे फूड स्टॉल को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा कमेंट किए थे, इसलिए हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे लगी बेलपुरी के फूड स्टॉल को एक्सप्लोर करने, जो कि काफी जमशेदपुर में अभी और डिजनीलैंड में काफी फेमस है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बेलपुरी का स्टॉल लगी है और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस बार लगी है। ठीक है, आ रहा तुम बेलपुरी खाया था कभी? नहीं खाया था। चलो चलिए यहाँ पे टेस्ट करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर बेलपुरी का टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बेलपुरी का स्टॉल आपको मिल जाएगा डिजनीलैंड के अंदर और इस तरह इस साइड एक झूला रहेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे बेलपुरी का स्टॉल मिल जाएगा। चलिए इनसे बात करते हैं और लगवाते हैं अपने प्लेट और करते हैं यहाँ का टेस्ट। चलिए चलते हैं। भैया जी बेलपुरी लगाइए या प्लेट? ये देखिए भैया का बेलपुरी का स्टॉल है डिजनीलैंड के अंदर। क्या नाम है भैया आपका? आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन कुमार, भैया का स्टॉल है। आप लोग डिजनीलैंड आए हुए थे एक बार जरूर टेस्ट कीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे बेलपुरी मिलता है। अगर आप बड़े बड़े शहरों में होटल और रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, जो जमशेदपुर शहर में ठेले के सामने बैठ के या फिर खड़े होकर खाने में वो मजा है। ये बेलपुरी का स्टॉल आप देख सकते हैं, ये पवन कुमार भैया का स्टॉल है। तो एक प्लेट बना के दिखाइए और खिलाइए हमको। ये कितना पूरी रहेगा? 10 पूरी रहेगा। प्राइस क्या है इसका? 50 रुपीज। चलिए, इससे पहले 40 रुपये का था, आज बढ़ा दिया रेट। ये देखिए मसाला डाल रहे हैं। ये क्या है, कौन कौन सा मसाला है? खट्टा मीठा, खट्टा मीठा मसाला है, मीठा है। ओके, ये गया सेव। चलिए ये बन गया है। ये देखिए 50 का ये बेलपुरी। तो चलिए करते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको यहाँ का बेलपुरी का टेस्ट। और फाइनली हमारे पास आ गया है पूरी बेलपुरी और मैं आपको बता दूं कि ये 50 रुपये का है पूरा फुल प्लेट। ये है पूरी, 10 पूरी रहेगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं जमशेदपुर का बेलपुरी का टेस्ट। ये देखिए ये बेलपुरी है, खट्टा मीठा चटनी और मीठा चटनी सेव, बहुत सारा चटनी आपको मिल जाएंगे। पवन कुमार भैया का नाम है, आप डिजनीलैंड आए तो जरूर एक बार टेस्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है टेस्ट। भैया आप भी टेस्ट करके बताइए कैसा है टेस्ट यहाँ का। आइए उठाइए ना, एक उठाइए। क्या नाम है आपका? रोशन। कहाँ से आए हैं? बिहार। बिहार जमान जिला। बिहार से आए हैं जी। डिजनीलैंड घूमने के लिए कि यहाँ पे रहते हैं आप? यहाँ पे रहते हैं, कदमा कदमा में रहते हैं। तो बताइए यहाँ का बेलपुर वहाँ पे नहीं है, उसमें नहीं है, आप दूसरा उठाइए, दूसरा लीजिए। कैसा लग रहा है? अच्छा है, बिहार से अच्छा है। आप देख सकते हैं भैया बिहार से है और बता रहे हैं कि बिहार से अच्छा जमशेदपुर में ये बेलपुरी मिलता है। थैंक यू भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं बिहार में कहीं पे। तो चलिए दोस्तों इस बेलपुरी को खत्म करते हैं। आप भी अगर डिजनीलैंड घूमने आ रहे तो भैया का स्टॉल में जरूर विजिट कीजिएगा बेलपुरी। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े शहरों में मुंबई या बेंगलोर हुआ, कलकत्ता हुआ, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में बैठ के जो खाने में मजा नहीं है, वो जमशेदपुर शहर में खड़े होकर ठेले के सामने वो मजा उससे बेहतर आता है। तो चलिए अगला दिखाएंगे फूड ब्लॉग में इस
डिज्नीलैंड में कहीं और फूड एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कहीं एक और